है एवरीवन, सो होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होगी। ये हमारा बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यू का सेकंड पार्ट होने वाला है यार। इसमें हम हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये तीनों चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। इनसे कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने सीबीएसई बोर्ड एमसीक्यू टर्म वन में दिखने वाले हैं, क्योंकि हम, और मैं पहला डिस्क्लेमर इस वीडियो में भी दे दूं यार आप लोगों को, क्योंकि यार आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस मान के नहीं चलने, इन क्वेश्चंस के हाई चांसेस है। बस इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा जिसमें स्टार्टिंग के तीन चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं, अगर आई बटन पे लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर पहले उसे देख ले। इन क्वेश्चंस को लेकर यार फिर अपने आप से कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, कुछ अपने टाइप से क्वेश्चंस बनाना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम से आपको घबराना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चैप्टर्स है, उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आप एमसीक्यू एग्जाम ऐसे क्लियर कर जाओगे। तो यार फाइनली बिना देर के हम जो पार्ट टू है उसे स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही होगी। मैं आपका जो चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्स वाई जेड लिमिटेड वांट्स टू अचीव इट्स टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एक्शन शुड दे टेक फर्स्ट। सो इसमें चार ऑप्शन है। इसमें से आपको जो सेकंड ऑप्शन है प्लानिंग, ऑब्वियसली बात है यार प्लानिंग करेंगे तभी उसके बाद ही प्रोडक्शन चालू होगा, जो भी उसकी कॉस्ट आनी है सभी प्लानिंग के थ्रू उनके सामने होने वाली है। तो इसका जो आंसर है प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। सो यार फिजिकल एक्सरसाइज इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। सो यार इनमें से कौन सा एडवांटेज है प्लानिंग के, ये आपको जब डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जब आप इन क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। अगर आपने मेरे शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर लिंक आ रही होगी, आई बटन पे लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देखकर अपनी शॉर्ट ट्रिक्स लर्न कर सकते हैं। थर्ड का जो आपका आंसर है ये है रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटी। मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्लान देयर फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, दे हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज ऑन प्लानिंग विच इज 1/4 ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट, विच ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग मेंशन इन केस स्टडीज। तो यार इसका करेक्ट आंसर है ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि यहाँ इन लोगों को 20 लाख रुपीज कॉस्ट लग रही है जो इन लोगों के प्रॉफिट का 1/4 है। मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड प्लान्स एन एक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विच अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो विदाउट एनी चेंजेस इन इट, विच ऑफ दिस डिसएडवांटेज ऑफ लिमिटेशन मेंशन इन अवर केस स्टडी। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है रिजिडिटी और रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्योंकि जब चेंजेस के उस प्लान के ऊपर परफॉर्म करना है तो जो एम्प्लॉयज है वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते और प्लान बन चुका है ऑलरेडी तो वो रिजिड हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए एंड बी बोथ। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स इज प्लानिंग टू सेल देयर न्यू रेफ्रिजरेटर सेट्स अंडर द एक्सटेंड स्कीम, विच टाइप ऑफ प्लान इट इज। सर इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर इजिली दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट यार आपका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ प्लान इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 10% जॉब आर रिजर्व फॉर वुमेन इन एवरी डिपार्टमेंट्स। तो यार ये एक पॉलिसी है, जो कि अगर आपने टाइप्स ऑफ रूल्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ वर्कर इज स्मोकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, विच टाइप ऑफ प्लान इज बीइंग वायलेटेड। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, पिज़्ज़ा हट वांट टू सी वेदर द प्लान आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इज अ स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई द स्टेप। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है फॉलो अप एक्शन है, क्योंकि यार जब आप प्लान बनाते हो, जब उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो वो वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं जो आपने पहले सोच के किया था। तो इसके लिए आप फॉलो अप एक्शन करते हैं जिससे सारे रिजल्ट्स आते हैं कि जो आपने प्लानिंग की थी जिस सिनेरियो को लेके, तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है 4 चैप्टर से, प्लानिंग ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, डू यू एग्री व्हाई। ये आपके पर्सनल ओपिनियन के लिए मैंने क्वेश्चंस रखा है, क्योंकि यार हो सकता है इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ जाएं। तो यार इसमें आपको बताना है कि क्या प्लानिंग ऑलवेज हमेशा ही सक्सेस होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नो, आई डोंट एग्री, इट समटाइम्स फेल ड्यू टू रिजिडिटी, क्योंकि आप प्लानिंग रिजिड होती है या कई बार फेल भी होती है। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, चैप्टर 5 जो कि ऑर्गेनाइजिंग है। इसके भी कुछ अप टू 10 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके नए क्वेश्चंस भी बनाने, खुद ट्राई करने। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर है तो आप कोई से भी एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पहले कॉन्सेप्ट्स के लिए भागना है, आपको एमसीक्यूज के लिए नहीं भागना है। क्वेश्चन नंबर 1,
इंडियन लिमिटेड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर टेक्सटाइल ग्रोसरी, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डस इंडियन लिमिटेड फॉलोज। सो यार इसका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिविजन है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इन एक्स वाई जेड लिमिटेड मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट वॉन्ट टू ट्रांसफर अथॉरिटी टू हिज सबोर्डिनेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर प्लान सो दैट ही कैन परफॉर्म इम्पोर्टेंट वर्क विद द फुल कंसेंट्रेशन एंड ऑन टाइम। विच टर्म इज यूज इन द अबो केस स्टडी फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर मूव करते हैं। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैव डाइवर्सिफाइड एंड इट रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन एन ऑपरेशन। सो तो इसका करेक्ट आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल सिचुएशन। सो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लास्ट को जो ऑप्शन दिख रहा हो अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होना चाहिए, ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर फाइव। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। सो यार मेनली टू टाइप्स, एक आपका फंक्शनल और सेकेंड आपका डिविजनल होता है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सपोज योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ फंक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डिवाइड ऑल द एक्टिविटीज अमंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैनेजमेंट रिहर्सल अरेंजमेंट रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा। इच ग्रुप वॉज प्लेस अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ अ सीनियर टीचर। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय अ प्रिंसिपल इन अवर केस स्टडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। जो प्रिंसिपल है उसने सभी टास्क को ऑर्गेनाइज किया है जो कि एक सुपीरियर के अंडर में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्क कैन हेल्प अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज ऑपरेशंस, विदाउट इट हिज एक्टिविटीज कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही कैन डू बाय हिमसेल्फ। सर इसका डिलीगेशन है करेक्ट आंसर, जो कि थर्ड है राइट ऑप्शन, क्योंकि अगर वो डिलीगेट करेगा अपने काम तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा, बियॉन्ड अकेले की कैपेसिटी से ज्यादा वर्क कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर एट। Which of the following is not a process of organizing? अगर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस पता है तो इस करेक्ट आंसर आप विद इन सेकेंड्स दे दोगे, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर नाइन। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज ए पार्ट ऑफ, करेक्ट आंसर है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, अब सेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कॉन्सेप्ट के थ्रू गए होंगे तो आप इजीली बता दोगे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है रिटेनिंग अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फाइनली आपके लास्ट चैप्टर जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है इस पे मूव करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड अर्न प्रॉफिट टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। एक्स वाई जेड लिमिटेड अ टीवी मैन्युफैक्चर कंपनी has started its business with TV One and slowly launched TV Large, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के नाम मैंने एज फॉर एग्जाम्पल लिए हैं, एंड सो ऑन एंड ऑफर वेरियस सर्विसेज लाइक आफ्टर सेल सर्विस ऑफ एक्सेसरीज। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स रेफर्ड हियर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर है प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। अ सेल्समैन अप्रोच यू टू प्रमोट द सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन एट योर डोर स्टेप। इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए, एट योर डोर स्टेप। Which communication tool is being used by the marketer in the above case? So, यहाँ पे पर्सनल सेलिंग हो रही है, जो आपके डोर स्टेप पे आके जो आपको भी प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो ये पर्सनल सेलिंग के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर फोर। एनी टाइप ऑफ गिफ्ट फ्री विथ नूडल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेस टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। सो अब प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक टेक्निक है सेल्स प्रमोशन की, जो कि एक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है यार आपका। This played an important role in success of many of the consumer brand of their marketing and different from the other product. क्या है जो यार important role play करता है, जो differentiate करता है products को, तो obviously यार इसका correct answer option number one है packaging, जो कि differ करती है product को other product से, brand establish करने में help करती है। Question number six पे move करते हैं। This are the sets of intermediaries or middlemen who help in फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इसका करेक्ट आंसर है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ इमोशन मिक्स। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फोर है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन है। क्वेश्चन नंबर एट पर मूव करते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोड्यूस FMCG प्रोडक्ट्स, आफ्टर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट दे सेल देयर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर थ्रू रिटेलर्स ओनली। यार इसमें जो लाइन है, द सेल्स देयर प्रोडक्ट्स टू रिटेलर्स ओनली, तो यहाँ पे यार सिंगल लेवल, ओनली वन लेवल ऑफ चैनल यूज किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर नाइन। PQR लिमिट वॉन्ट टू अपॉइंट अ सेल्समैन,
टू प्रमोट इट्स गुड्स टू द कंज्यूमर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज दे शुड श्योरली चेक इन द सेल्समैन। तो यार सेल्समैन में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, अगर आपने सेल्समैन क्वालिटीज पढ़ी है उसमें यार आपको आपने पढ़ा होगा नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिजिकल हेल्थ, ये सभी चीजें एक सेल्समैन में होनी जरूरी है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो कि ऑल ऑफ द अबो है। मैनेजमेंट के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। XYZ लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप वॉन्ट्स टू सेल इट प्रोडक्ट्स लाइक एग्जाम्पल टीवी एट लेस प्राइस देन यूजुअल एज दे वॉन्ट टू इनटेक न्यू प्रोडक्ट्स टू देयर शॉप टू मीट द फ्यूचर डिमांड्स एंड इंक्रीज सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशन टेक्निक इज यूज बाय द शॉप ओनर। सो यार यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन कीजिए, न्यू एंड अपग्रेड प्रोडक्ट वो अपनी शॉप में लाना चाहते हैं, जो आपका वो उसका रिटेन जो पुराना स्टॉक बचा है वो उसे निकालना चाहता है। तो यार यहाँ पे आप ये गलती मत करना डिस्काउंट करने की, क्योंकि यार यहाँ डिस्काउंट नहीं आएगा, यह रिबेट आएगा। जब रिबेट आप उस चीज़ को बोलते हो जब आपका पुराना स्टॉक बाकी हो और आप उसे रिलीज करना चाहते हो। तो यार यहीं पर आपके सारे MCQs खत्म होते हैं। सो फाइनली यार आपकी सारी MCQs वाली सीरीज यहीं पे खत्म होती है। आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा तो आप जाके पहले पार्ट वन भी देख लें। और यार एक मेन बात मैं बोलना चाहता हूँ यार कि आप MCQs के पीछे ना भागे, अगर आपने कंटेंट सारा पढ़ रखा है, आपको कंटेंट क्लियर है, हर एक चीज क्लियर है कंटेंट से, MCQ सिर्फ एक जरिया है उस कंटेंट को आपसे पूछने का, उस हमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बता दो। तो ऐसा नहीं होता यार, मैं क्या आपको कोई भी यूट्यूब पे चाहे आप कोई सी भी अगर सैंपल पेपर्स लेते हैं, अगर आप बुक्स रेफर करते हैं अगर मार्केट से, तो यार आपको कोई भी ऐसा नहीं बताने वाला कि यार सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको सिर्फ ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। सो यार आपको फाइनली सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना। सो फाइनली यार बस इतना बोलूंगा कि यार अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागोगे तो MCQ मार्क्स अपने आप आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू, बाय।